हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंग बली की जय। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर सबसे कोई सटीक उपाय है तो वो है हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ। इन दोनों में से आप कोई भी एक उपाय अगर श्रद्धा पूर्वक करेंगे उनको मनाने के लिए, तो वो अपने भक्तों पे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के उनके सभी बिगड़े काम बना देते हैं। हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए अगर सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, और तो इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। दोस्तों, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या धार्मिक महत्व होते हैं, और इस कांड को क्यों बोला गया है सुंदरकांड, पे सबसे पहले वो बताती हूँ। इसके बाद आपको तरीका बताती हूँ कैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किया गया सुंदरकांड पाठ फल देने के बजाय नुकसान देता है। दोस्तों, हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका गए थे, और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ तीन पर्वत पहले था। पहले सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी, और इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। दोस्तों, शुभ कार्यों की शुरुआत में सबसे पहले सुंदर कांड का अगर आप पाठ कराएं, सबसे विशेष महत्व माना गया है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां आती है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, या फिर आत्मविश्वास की कमी हो गई हो, या कोई भी समस्या हो, दोस्तों सुंदरकांड के पाठ को करने से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। कोई कई ज्योतिषी या संत भी जब भी विपरीत परिस्थितियां होए, आप कहीं भी जाएंगे आपको यही बोलेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? क्योंकि माना जाता है हनुमान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंग बली की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं। और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की थी, इसलिए उनकी सफलता को अगर आप याद करेंगे तो आपको भी बहुत जल्दी हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सारे रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों और उनकी मेहनत पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। इसलिए अगर आप भी इस कांड को पढ़ेंगे, नियम से पढ़ेंगे, तो आपको पूजा पाठ के साथ साथ एक साइंटिफिक रीज़न भी दे रही हूँ क्यों आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़बरदस्त आत्मविश्वास बढ़ता है इंसान का, और इच्छा शक्ति बढ़ती है कि नहीं, मुझे तो ये काम करके ही निकलना है। सुंदरकांड के पाठ से मनुष्य को मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है, और किसी भी कार्य को पूर्ण करने का आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, बहुत धार्मिक लाभ मिलते हैं। साइंटिफिक रीजन तो है, साथ में आप करेंगे तो धार्मिक लाभ आपको मिलेगा। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। दोस्तों, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो कर लीजिए उपाय और आप देखेंगे कैसे बाबा हनुमान तुरंत मान जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ देखिए, विशेष रूप से मैं बताती हूँ आपको, मंगलवार शनिवार या जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उन सबको पता है, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, ये सब दिनों में करना चाहिए। आज पुष्य नक्षत्र है, मंगलवार है, आज का दिन बहुत शुभ है। दोस्तों, आज करने से आपके सारे संकटों का नाश होता है। परंतु आवश्यकता होने पर कभी भी आपको लगे कि मेरे को कष्ट आ रहे हैं ज़्यादा जीवन में, आप इस पाठ को रोज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। सबसे पहले पाठ करने के पहले किस नियम से करना चाहिए वो बता देती हूँ। सुंदरकांड का पाठ सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन के आपको करना है। ध्यान रखें, ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। प्रेफर करें रेड, ऑरेंज या येलो कलर के कपड़े पहन के आप
पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ सुबह भी कर सकते हैं या शाम को 4 बजे के बाद करना है। दोपहर में 12 बजे के बाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना ये फल की जगह नुकसान देता है। दोस्तों, पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फोटो रखें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, उस पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखें। घी का दिया जला लें, हो सके तो चमेली का तेल का दिया जलाएं, और अगर आप शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दिया के समय, विशेष करके कि आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो दिया आपका जलते रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। जितना घी या तेल वो पूरे पाठ के समय उसको कंटिन्यूअस आपको जला के रखना है। भोग आपको ज़रूर रखना चाहिए। भोग के लिए फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई भी मीठा रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुंदरकांड करेंगे तो ये राम कथा ही है, रामचरितमानस का भाग ही है। हनुमान जी स्वयं आपके घर में वास करते हैं दोस्तों, तो आए हुए मेहमान को हम भोग कराते हैं। हनुमान जी के लिए भी प्रेम से भोग रखें, तुलसी पत्र रखें, जल रखें और एक चौकी खाली डाल दें कि आओ बाबा आप हमारे पास आकर के बैठो। दोस्तों, पूजा के बीच में ना उठें, किसी से ना बोलें, बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन बाबा जब आते हैं तो पूरा ध्यान उनकी ओर आपको रख करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कुछ लोग एक साथ ना करके, आप अगर चाहें, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं साथ में पूरा नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो 2, 5, 10 दोहे भी आप एक दिन में पढ़कर कर सकते हैं। आप जिस प्रकार भी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, पहले ही ध्यान कर ले, संकल्प करें कि मैं ऐसे करूंगा। ऐसा नहीं कि आपने पाठ शुरू कर दिया और फिर आपके मन में आया कि छोड़ो आज बोर हो गए, आज तो मेरे को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो चलो मैं बाकी का कल करूंगा। ऐसे नहीं दोस्तों, अगर आप मन में प्रण करके बैठे कि ये सुंदर कांड का पाठ मुझे 10 दिन में पूरा करना है, संकल्प लें। मैंने एक वीडियो भी बताया कि संकल्प ले करके पूजा करें तो पूर्ण होती है। संकल्प ले के पूजा करें, जैसे कि मैं 5 दिन में करूंगा या 2 दिन में, या मैं हर मंगलवार को इतना पढ़ूंगा या मैं हर शनिवार को इतना पढ़ूंगी। दोस्तों, एक तो लेडीज के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं कि लेडीज पूजा कर सकती है कि नहीं। बार बार मैंने 2-3 वीडियोस भी बना के दिए है कि हनुमान जी की पूजा लेडीज कर सकती है। दोस्तों, सिर्फ उनको छूना नहीं होता है, हनुमान जी को स्नान आदि आप ना कराएं, और दोस्तों उनको भोग बनाइए, उनको उनकी माला बनाइए, उनके वस्त्र बनाइए, सब कुछ उनकी जितनी सेवा हो सकती है आप करें, पाठ करें। सिर्फ जब उनको स्नान आदि कराना हो वो समय आपको उनको टच नहीं करना है। वो भी जो बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं, रजस्वला नहीं होती हैं, वो लोग पुत्र भाव करके हनुमान जी को टच करके पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड आरंभ करने के पहले हनुमान जी व रामचंद्र जी के आगे सब धूप दीप कर लिया आपने बैठे। दोस्तों, हम पूजा क्यों करते हैं? सिर्फ पाठ रीड नहीं करना है, उसको रीड करने से कुछ नहीं होता है। आपको भगवान से कनेक्ट करना है, हनुमान जी से कनेक्ट करना है, बोलना है बाबा आओ आओ। जब हम अपने माता पिता को याद करते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मम्मी पापा आप आओ, उनको बुलाते हैं फ़ोन करके। हनुमान जी को फ़ोन से आप नहीं कनेक्ट कर सकते, दिल से टेलीपैथी कीजिए हनुमान जी से और देखिए बाबा आपके घर पे ज़रूर आएंगे। दोस्तों, कनेक्ट करके देखिए हनुमान जी से। मैं आपको सच कह रही हूँ, आपकी सारी विघ्न बाधाएं, सारे दुख दूर कर देते हैं। बाबा हनुमान कलयुगी देवता हैं, इनको अगर आपने मना लिया, आपको मालूम होना चाहिए शिव शंकर के 11वें स्वरूप हैं, 11वें अवतार हैं, और इनको अगर आपने मना लिया तो बाबा शंकर को मनाने बराबर है। बाबा हनुमान आपके सारे कष्ट जागृत देवता हैं दोस्तों, हमारे पितृ हैं, वो आपके घर पे आके आपको ज़रूर मदद करेंगे, आपकी मुसीबतों को ज़रूर दूर करेंगे। जब सुंदर कांड समाप्त हो जाए, आवाहन जरूर करना है, फिर पूजा पाठ करना है, इसके बाद उनको भोग लगाना है, घंटी बजा के थोड़ा तुलसी पत्र डाल के जल से आचमन कराना है, और दोस्तों उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना अगर आपको कोई याद है तो आप करें, नहीं तो आप अपने शब्दों में भगवान से क्षमा मांगे कि बाबा मुझे तो ना आवाहन आता है ना
विसर्जन आता है ना कोई पूजा पाठ आता है। मुझे जितना आता था मैंने सच्चे दिल से आपको अर्पण कर दिया। मेरे ये कष्ट है आपको सब दिख रहा है कि मुझे क्या कष्ट है जीवन में मेरे। मैं अब सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, या मैं अब अपने सारे दुख आपको समर्पित करता हूँ। और फिर दोस्तों उनसे माफ़ी मांग करके आप हाथ जोड़ के विनती करें कि आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। बस बाबा अपने आप आपके सारे दुख दूर करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगा करके आरती करके उनकी विदाई करें, हाथ जोड़ के बोले सभी देवता अपने अपने स्थान को पधारें। दोस्तों आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी विशेष बहुत ज़्यादा अमंगल हो रहा है आपके जीवन में, तो आप संपुट का पाठ भी कर सकते हैं। संपुट क्या होता है, हर दोहे के बाद एक चौपाई बोलनी होती है। तो जैसे आपने बोला देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई, जरई नगर बा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। या आपका जैसे पूरा हो गया, आपका दोहा 25वें पे आ गए समझ करिए आपने, तो फिर आपको बोलना है जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सु दशरथ अजर बिहारी। ऐसे बोल के फिर से आपको नेक्स्ट दोहे पे जाना है। या आप ये भी बोल सकते हैं दीन दयाल बिरद समभारी, हर हु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये भी बोल सकते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों मैं आह्वान करने का भी आपको बता दूंगी किस प्रकार आपको आह्वान करना है। ये करके आप पाठ करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में सारी खुशियां ही खुशियां आ जाती है। बाबा आपको हनुमान जी सारे आपको नौका से भव सागर से तर कर देने वाले हैं सारे कष्ट। सबसे पहले दोस्तों जब भी पूजा करते ना मन में शंका मत रखिए कि मैं ये पूजा करने बैठ रहा हूँ पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मैम ने तो बोला है वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ शायद हो जाए। ये शायद शब्द है ना अपने जीवन से निकाल फेंकिए। आपको करना है, आपका पॉजिटिव होना है, आप ये कर रहे हैं और बाबा आपकी मदद करेंगे, ये आपको पक्का विश्वास रख करके आपको दोस्तों पूजा में बैठना है। और कोई कारण नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आपके निश्चय से हिला सकेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेहनत कीजिए और ध्यान रखें कर्म प्रधान है हमारा जीवन, हम सिर्फ पूजा पाठ करेंगे काम नहीं करेंगे। काम के समय पूजा लेके बैठ जाएंगे तो वो भी नहीं होता है। समय अपना बराबर अपने डिवाइड कीजिए, टाइम को सही समय पे पूजा करें, सही समय पे काम करें और देखें कोई रीज़न नहीं है कि भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपने दोस्तों से अपने परिवार वालों से सभी से इसको शेयर करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ है दोस्तों, करते बहुत लोग हैं लेकिन नियम से नहीं करने की वजह से बहुत सारे लोग दुविधा में पड़ के इसका फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग जान सके कि सही विधि क्या है सुंदरकांड पाठ की। आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और दोस्तों अगर किसी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मुझे ईमेल पे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखा करें क्योंकि बहुत सारे मेल्स होते हैं जवाब देने में, मुझे एक एक को अच्छे से रीड कर करके देना है, मैं जल्दी जल्दी झूठ लिख करके जवाब दे दूँ वो तो नहीं हो सकता ना, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखा करें। मुझे 4 बार मेल कर दिया करें लेकिन एक ही मेल आईडी से उसके नीचे ही किया करें, बार बार अलग अलग मेल करने से मैं परेशान हो जाती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रह सके, ढेर सारी बातें कर सके। लव यू ऑल, जय माता दी।